महाराष्ट्र की राजनीति में रातों रात बड़ा उलटफेर हो गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनाने की चर्चाओं के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार को डेप्यूटी सीएम के पद की शपथ दिला दी है। शपथ लेने के बाद फडणवीस ने कहा कि लोगों ने हमें स्पष्ट जनादेश दिया है, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद शिवसेना ने अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी और इस वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार की जरूरत थी, न कि खिचड़ी सरकार की। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी और ये दोनों ही दल आसानी से राज्य में सरकार बना सकते थे, लेकिन शिवसेना के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर अड़ जाने को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। शिवसेना का कहना था कि 50-50 के फॉर्मूले के तहत ही उसे राज्य में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री पद के बंटवारे के लिए तैयार नहीं थी। इस मुद्दे पर शिवसेना ने बीजेपी और एनडीए से नाता तोड़ लिया था। बीजेपी एनसीपी की सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि 288 सदस्यों वाली राज्य की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 सदस्यों की जरूरत है और दोनों ही दलों के विधायकों का कुल योग 159 बैठता है। इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ निर्दलीय विधायकों और छोटी पार्टियों का भी समर्थन हासिल है। बीजेपी एनसीपी की सरकार बनने से राजनीतिक जानकारों को खासी हैरानी हुई है, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी के बीच सरकार गठन को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी थी और यह माना जा रहा था कि शनिवार यानी कि आज तीनों दल मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें सरकार बनने की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले ही यह सियासी उलटफेर हो गया।